Vipul Shah, the producer of Optimistic Entertainment of Krishnadasi, on stage to say a few words. Wonderful performance, big hand for them. Thank you. And wonderful gathering, big hand for you guys. Exactly 5 weeks before, 14th December, I think, channel se phone aaya tha ki ek show karna hai. और डाउन साउथ का बहुत ही सक्सेसफुल शो है सो आप करोगे ऑफ कोर्स एज ए प्रोड्यूसर आई सेड व्हाई नॉट वेरी गुड आई सेड एक घंटा एवरी डे आई सेड अरे वेरी वेरी गुड देन आई सेड ओनली 5 वीक में इसको ऑन एयर लाना है तो उसके बाद ना गुड बोल पाए ना बैड बोल पाए बट जब वन लाइन सुना ये कंसेप्ट इज ब्यूटिफुल कंसेप्ट एंड आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स एंड वेरी रिलेटेबल डिलेमा सो हमने सोचा कि ये चैलेंज ले लेते हैं 5 वीक में कंप्लीट प्रोडक्शन किया है 5 वीक में कास्टिंग हुई है स्टनिंग कास्टिंग यू कैन सी ऑल गॉर्जियस गर्ल्स दिस साइड एंड हैंडसम मैन दिस साइड एंड मैम गॉर्जियस मैम दिस साइड सो आई थिंक टू पुट टुगेदर इन 5 वीक्स इट वाज अ मैमथ एक्सरसाइज बट वी ऑल एंजॉयड इट एंड लव्ड इट थैंक्स ऑल टीम एट ऑप्टिमिस्टिक रितु मुक्ता टोनी राकेश आशीष रेगो एवरी वन वर्क वेरी हार्ड ये साउथ का बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा है जिसका नाम भी वहाँ कृष्णदासी था और हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर यहाँ है जिनको मैं बुलाना चाहूँगा पद्मिनी जी को जिन्होंने ये शो कंसीव किया है जिन्होंने ये शो बहुत सक्सेसफुली वहाँ बनाया है सो आई एम वेरी लक्की टू हैव दिस लवली कंसेप्ट एंड आई थिंक एक रेडीमेड कंसेप्ट अगर आपको मिल जाता है जिसके माइलस्टोन अपनी जगह पे हो तो प्रोड्यूसर के लिए सबसे खुशी की बात होती है सो मैं पद्मिनी जी को कहूँगा कि ये कैरेक्टर्स और शो के बारे में बताएं एंड दिस इज अबाउट अ गर्ल्स जर्नी ऑन अ देवदासी सिबलिंग एंड हाउ शी इज गोइंग टू फेस द सोसाइटी इन दिस कलयुग इज द स्टिग्मा स्टिल गोइंग टू फॉलो हर एंड इज शी विल बी एक्सेप्टेड बाय अ गुड फैमिली कैन शी आल्सो मैरी लाइक एनी अदर गर्ल एंड हैव अ फैमिली सो दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल इट रन फॉर मोर देन 5 इयर्स एंड यू नो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ संजय लीला बंसाली जी I wanted that kind of grandeur and a greatness in the show. And I really thank and I think I'm blessed to have Vipul ji as a producer, you know, who could bring my creativity into the limelight. I thank everybody. And I'm sure ki sabko khushi hogi ki achhi product hum logon ne banayi. Ye kafi challenging show hai, kyunki musical oriented hai. देवदासी का कॉन्सेप्ट है कृष्णदासी का और इसमें 3 जनरेशन का स्टोरी है तो अक्रॉस 3 जनरेशन जो है हमको म्यूज़िक भी दिखाना है बस काफ़ी पैशनेट शो है काफ़ी ड्रामेटिक शो है तो इसका म्यूज़िक अलग रखना एक मराठी मिल्यू भी है शो को तो हमने काफ़ी फोक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए इसमें और म्यूज़िक को काफ़ी अलग रखा है ड्रामेटिक रखा है एंड वी ऑल्सो गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ फोक सिंगर्स इन्वॉल्व इन द साउंड ट्रैक यस बहुत कम समय मिला था एंड हमारी चैलेंज ही टीवी में ये रहती है कि कम समय हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें तो आई थिंक हम चैलेंज में खरे उतरे हैं एंड गिविंग अ मराठी ट्विस्ट टू द शो वाइल कीपिंग अ पैन नेशनल आइडेंटिटी आई थिंक वॉज अ चैलेंज और काफ़ी टैलेंटेड सिंगर्स हमने यूज़ किए ऋतुराज वॉज अ रॉ स्टार विनर रॉन्किनी सारेगामा विनर सो वी गॉट अ रियली ग्रेट टीम इन प्लेस सरोद तबला मृदंगम बकहावज अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमने लाइव रिकॉर्ड किए कोरस और एक काफ़ी ग्रैंड स्केल पे म्यूज़िक हुआ है सी एक शो में हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है इट्स अ मैटर ऑफ द राइट कॉम्बिनेशन और म्यूज़िक भी एक अहम फैक्टर है एक शो में और पूरा जो ऑडियो है दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द शो एंड वीडियो इज़ अनदर सो हम तो हर शो में मेहनत करते कि साउंड ट्रैक अलग हो और एक शो स्पेसिफिक साउंड ट्रैक हो ताकि उसका एक ऑडियो आइडेंटिटी बन जाए सो म्यूज़िक इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बट वीव गॉट अ ग्रेट कास्ट इन द शो एंड वीव गॉट फैबुलस एक्टर्स फैबुलस स्क्रिप्ट एंड अ शो विच इज़ डन रियली वेल डाउन साउथ सो आई थिंक इट्स ओवरऑल कॉम्बिनेशन विच रियली मेक्स अ शो सक्सेसफुल आशीष रेगो ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है और मैंने भी फर्स्ट टाइम जब टाइटल ट्रैक सुना तो आई गॉट गूज बम्स बिकॉज बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया है और एक ऐसा ट्रैक है जिसमें आप बैकग्राउंड में कहीं पर भी डाल दीजिए सुनने वाला रो तो देगा डेफिनेटली इतना पैथोस है उसके अंदर इतना एंग्स्ट है उस ट्रैक में कि कमाल का म्यूजिक है हमने सुना तो हमें तो अच्छा लगा आपको अच्छा लगा तो आप तारीफ कर ही रहे हैं पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए
बहुत इंट्रीगिंग है, बहुत ही अमेजिंग है. सब्जेक्ट के हिसाब से जाता है. मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मुझे मेरी एंट्री, मेरा एंट्री म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा. और ग्रैंड म्यूजिक इसलिए भी है क्योंकि बहुत ग्रैंड तरीके से हमने शूट किया है सीरियल को. हम चाहते थे वो ग्रैंड लेवल. जब हमारा फर्स्ट टीजर भी ब्रेकआउट हुआ था तो लोगों को काफ़ी लगा था कि यार ये बहुत अलग सेटअप लग रहा है तुम्हारे शो का, जो कि वाकई हम जो चाह रहे थे ऑडियंस का रिएक्शन वो हमें मिला. हम चाहते हैं कि जिस तरह से प्रोमो टीजर्स में मिला, हमें हमें एपिसोड्स में भी ज़रूर मिले.